नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं न्यूज एट फोर और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर से बड़ी खबर है, उफनते नाले में फंसा बाइक सवार। बरसाती नाले में अचानक से पानी आया, बरसाती नाले में एक बाइक सवार फंस गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है और नदी नाले भी अपने उफान पर है, जिसके चलते आज एक बाइक सवार नाले में अचानक से फंस गया। तो सहारनपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, उफनते नाले में ये बाइक सवार फंस गया। बरसाती नाले में अचानक से ये पानी आया, जिसमें नाले को पार करते हुए ये बाइक सवार इसमें फंस गया है। लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि सतर्कता बरते, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। सहारनपुर से भी आज ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बरसाती नाले में ये बाइक सवार अचानक से फंस गया। नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त अचानक से बरसाती नाले में पानी आया, जिसकी वजह से ये बाइक सवार वहां पर फंस गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, सहारनपुर की तस्वीरें हैं। मानसून की शुरुआत के साथ ही नदियों का, नालों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन बार बार लोगों को चेता रहा है कि जान जोखिम में ना डालें, नदी नालों को पार ना करें, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सहारनपुर से आज देखने को मिली। आप देखिए किस तरीके से जो ये बाइक सवार है नाले को पार करता हुआ नजर आया, अचानक से नाले में पानी बढ़ा और उसके बाद ये व्यक्ति बीच नाले में फंस गया। और वहीं मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरों में कैद कर लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके साथ। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से नदी नालों का जल स्तर लगातार बारिश की वजह से बढ़ता जा रहा है। और ये पूरा घटनाक्रम वहाँ मौजूद जो लोग थे उन्होंने अपने कैमरों में भी कैद कर लिया। और बार बार आप देखिए किस तरीके से जो ये व्यक्ति है अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार कर रहा है। ये देखने के बावजूद जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए मूसलाधार बारिश आफत लेकर आई है, जगह जगह जलभराव के हालात हैं, लोग परेशान हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मानसून को लेकर प्रशासन तैयार है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, मेरठ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, और ये दोनों ही तस्वीरें प्रशासन की तैयारी की गवाही दे रही है। नदी नाले उफान पर है, नालों का पानी सड़कों पर आ गया है। छतरी वाला पीर, खैर नगर, सोतीगंज नगर निगम कार्यालय, ब्रह्मपुरी, कांच का पुल, कंकरखेड़ा सहित शहर के 3 दर्जन से ज्यादा इलाके जलभराव से जूझ रहे हैं। नगर निगम ने जो दावे किए थे उनकी हवा अब निकल चुकी है। अब मेरठ के सोतीगंज की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ज्यादातर दुकानें यहां पर जलमग्न हो गई है, पानी इन दुकानों में घुस गया है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नाला सफाई अभियान के नाम पर महज खाना पूर्ति हुई है और इसी का ये नतीजा है कि यहाँ के व्यापारियों की दुश्वारियां बढ़ गई। मेरठ तेरी यही कहानी, हर गली हर मोहल्ले में पानी। आप देखिए किस तरीके से मेरठ में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और मेरठ की सड़कें तालाब बन गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, सोतीगंज इलाके की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जलभराव है वो जलभराव यहाँ पर हुआ है। आप देखिए कई कई फीट यहाँ पर जो पानी है वो पानी यहाँ पर भर गया है और जो दुकानें हैं उन दुकानों के भीतर भी जो पानी है वो यहाँ पर पहुँच गया है। जो मूसलाधार बारिश थी वो थोड़ी हल्की ज़रूर हो गई है और इस मूसलाधार बारिश के बाद भले ही गर्मी से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन उसी के साथ जो आफत है वो भी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गई है। आप ये देखिए किस तरीके से, देखिए मेरे पूरे घुटनों तक यहाँ पानी आ गया और ये एक दुकान है जिसके भीतर यहाँ पानी चला गया है। पूरा इनका जो सामान है वो यहाँ पर बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। आप इधर आ जाइए सर, आपसे बात करूँगा। किस चीज़ की दुकान है आपकी? कवर बैगों की दुकान है हमारी, सीट कवर बैग। कितना नुकसान हुआ? नुकसान बहुत है सर, कम से कम कई हज़ार रुपए का नुकसान। नीचे पानी भर चुका है, बहुत बेकार हो चुका है इस समय। अच्छा, बारिश हो? हर बार यही है, 10 मिनट की बारिश पड़ जाए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अच्छा, कोई नहीं सुनता? कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर, कोई नाले सफाई नहीं यहाँ पर। नगर निगम वाले तो कहते हैं हमने नाले साफ। नगर निगम वाले क्या होता है, ये टुटवा दिए सर, लेकिन इतनी तेजी गारा निकालने के बाद कुछ नहीं है यहाँ, केवल कुछ भी सफाई नहीं है। केवल नाले टुटवाने के बाद में 100 ग्राम गारा निकाल देने को यहाँ की सफाई हो गई सर, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। खाना पूर्ति करके चले जाओ? बस यही होता है सर यहाँ पर। खाना पूर्ति करके जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ से चली जाती है और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल और परेशानी है
वो यहाँ के लोगों को उठानी पड़ती है। ये यहाँ पर आ रहे हैं, इनकी स्कूटी बंद हो गई, एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। सर आपसे जानना चाहूंगा, बूंदाबांदी तो हल्की हो गई है, आपको कितनी दिक्कत हुई, क्या बंद हो गई? हाँ सर, बारिश तो बंद हो गई लेकिन स्कूटी हमारी बंद हो गई। अच्छा, दिक्कत हो गई, पानी भर गया है। जी, पता नहीं था इस रास्ते के बारे में? नो सर। कहाँ के रहने वाले हैं? तो रजबन के ही, वो पेटी से लेने जा रहा था जरा। अच्छा, तो एकदम पानी भर गया, वो बंद हो गई। बंद हो गई, दिक्कतें बहुत हैं। जी, इन नालों में यहाँ का पानी जाता है, वो नाले कूड़े से ठस हैं, बज बजा रहे हैं और इसी की वजह से यहाँ के लोगों को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मन में नगर निगम के खिलाफ जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बारिश होते ही यहाँ के दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। नगर निगम के अधिकारी आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक सोतीगंज को इस जल भराव से निजात नहीं दिला पाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। तो मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। बिजनौर में भी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बारिश का पानी स्कूलों, पुलिस चौकी और रामलीला मैदान में भी भर गया है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैरान की बात यह है कि तमाम दावे किए गए थे, लेकिन बावजूद उसके उन दावों की अब हवा निकलती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिजनौर की तस्वीरें हैं, किस तरीके से बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। स्कूलों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, दावे तमाम किए गए थे, लेकिन बावजूद उसकी ये स्थिति अब नजर आ रही है। और अगर केदारनाथ यात्रा के दौरान बरसाती नाले उफान पर है, यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। केदारनाथ से आई तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कि डराने वाली है। दरअसल यात्रियों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है, घोड़े खच्चर भी इन बरसाती नालों को पार करने से कतरा रहे हैं, लेकिन घोड़े खच्चरों को धकेल कर जबरन आवाजाही करवाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर किस तरह से बरसाती नाला उफान पर बह रहा है और यात्री घोड़ा खच्चर जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। केदारनाथ से ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। आप देखिए बारिश लगातार हो रही है, बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है और इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बारिश की बौछार से पहले पहाड़ बेहाल नजर आ रहा है। रामनगर में बारिश की वजह से धनगढ़ी नाले में पानी अचानक से बढ़ गया, जिस वजह से एक कार बरसाती नाले में बह गई। इस कार में 4 लोग सवार थे और ये सभी लोग रामनगर से सल्ट जा रहे थे। जिस वक्त ये बरसाती नाले को पार कर रहे थे, पानी का बहाव ज्यादा तेज नहीं था, मगर अचानक से बहाव बढ़ गया और कार बह गई। गनीमत ये रही कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित निकल गए। तो रामनगर की तस्वीरें आप देखिए, नदी नाले अपने उफान पर हैं और आज ये तस्वीर सामने आई जहां ये कार बीच नाले में फंस गई। और चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं गोरखपुर से। गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। छाया के रूप में, औषधि के रूप में, लोगों के लिए प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दे सके और आने वाली पीढ़ी उन पेड़ों के माध्यम से उनकी छाया के नीचे उनके संरक्षण में अपना जीवन यापन आगे बढ़ाने में भी उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, जहां हमें प्रकृति के प्रति आगाह होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, वहीं साथ ही साथ हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष का साक्षी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 15 अगस्त 2022 को जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस दौरान भारत की आजादी के उस उत्सव में हम सब सहभागी बनेंगे। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में केवल उत्सव में सहभागी बनने से नहीं, बल्कि आजादी का यह अमृत महोत्सव आपके लिए यादगार बन जाए, हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर
इसका अभियान चलना चाहिए। क्या देना चाहते हैं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में? आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के साथ साथ हम समाज की व्यवस्था को इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर सके कि आज आप आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जब ये देश अपनी आजादी के 100 साल की यात्रा पूरी कर रही होगी, इन 25 वर्षों की हमारी सकारात्मक कार्य योजना क्या होगी? ये कार्य योजना किस रूप में है आगे बढ़ाना? हमें अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को, अपने समाज को, अपने देश को कहां लेके जाना? कौन सी हमारी कार्य योजना? ये कार्य योजना आपकी होगी, कार्य योजना सरकार की भी है। सरकार इस अवसर पर विद्यालयों को ध्यान में रखकर के ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभागों को जोड़ करके अपनी विस्तृत कार्य योजना के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही है। और कार्यक्रम में एक संकल्प ये भी होगा कि भारत के आन आन सांझ का प्रतीक है तिरंगा, हर घर पर तिरंगा लहराएगा और 11 से 17 अगस्त के बीच हम में से हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि एक सप्ताह के लिए अपने घरों पर भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की तैयारी, तिरंगा अभी से खरीदना और अपने अपने घरों में लगाने की व्यवस्था, सम्मानजनक ढंग से लगाने की व्यवस्था, तिरंगा को लगाने के साथ ही उन कार्यक्रमों में हम सहभागी बने। जहां स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा होगा वहां स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े। जहां आजादी के दीवानों का की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हो रहे होंगे उन कार्यक्रमों को सफल बनाना। जहां देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के परिजनों को देश के विभिन्न युद्धों में और देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवार वालों के सम्मान का कार्यक्रम होगा वहां उस कार्यक्रम में सहभागी बनना। जहां शिक्षण संस्थाओं के पुनरुद्धार और उनके सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम हो उन कार्यक्रमों में सहभागी बनने की आवश्यकता होगी हम उसके साथ जुड़ेंगे। सरकार के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक तबके को प्राप्त हो, जहां हमें भी योजनाओं के साथ जुड़ना होगा हमें वहां पर भी जुड़ना होगा। हर एक कार्यक्रम के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अगर हम आगे बढ़ सकेंगे तो आपका संकल्प भी पूरा होगा और केंद्र और राज्य सरकार की जिस संकल्प बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारा संकल्प आज का आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही आगामी 25 वर्षों की विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ाने की होगी, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महान ताकत के रूप में स्थापित करने के सपने को साकार करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ हम सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। और ये आजादी का अमृत महोत्सव का संकल्प हम सबका होना चाहिए। और मैं गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक से, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से अपील करूंगा कि हम सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं। भाइयों बहनों, अगर नियत साफ हो तो अपने आप ही विधाता आपका संरक्षण भी देता है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है। आपने विगत 100 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की कार्य प्रगति को देखा होगा। उत्तर प्रदेश आज एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में दिखाई दे रहा है। याद करके 2017 के पहले ही उत्तर प्रदेश था जहां यहां पे रोज एक नया दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। विगत 5 वर्ष के अंदर कहीं आपने दंगा देखा? आज दंगा नहीं है और दंगे की बात तो दूर, अब तो सड़कों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सरकार का संकल्प है और सरकार के संकल्प के साथ जनता जनार्दन की सहभागिता उनका आशीर्वाद है तो ये कार्यक्रम आपने देखा होगा। जो परंपरागत आयोजन है, खासतौर पर अगर कोई शोभा यात्रा पहले से अनुमति लेकर के आयोजित है उन कार्यक्रमों को सरकार एक एफिडेविट लेकर के, शपथ पत्र लेकर के आयोजित करने में योगदान देगी। लेकिन जहां पर पहले से स्थान तय है कि इसी स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम होने हैं, हम उन कार्य योजनाओं को उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य
कानून का सम्मान हमें संविधान के प्रति आग्रही बनाता है, संविधान का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। संविधान का सम्मान भीमराव अंबेडकर और भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारे सम्मान का प्रतीक होता है और ये हम सब हर हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि वह अपने संविधान के रूप आचरण करते हुए आगे बढ़े, अपने देश के बारे में सोचे, अपने समाज के बारे में सोचे। आज आप देख रहे होंगे जहां छोटी छोटी बातों में लेकर दंगा होता था, कुर्बानी को लेकर के दंगा होता था, सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर दंगा होता था। आपने देखा होगा कुर्बानी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, इस पर सड़क पे कोई नमाज नहीं, धर्मस्थलों से माइक उतर गए या उनकी वैल्यू कम हो गई। और मैं तो कहूंगा अगर आपकी अगल बगल कोई किसी धर्म स्थल पर बहुत तेजी के साथ बजाने का कार्य, माइक को बजाने का कार्य कर रहा है, नजदीकी थाने को इसकी सूचना लिखित सूचना देकर के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए। आप देखेंगे उस स्वयं की अपनी आवाज और अपने उस दायरे में आएगी जिस दायरे में उस आवाज को होनी चाहिए। किसी भी धर्मस्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए, यह एक संकल्प हम सबका होगा। क्योंकि अगर अगर कोई भी बीमार व्यक्ति हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई नवजात शिशु हो सकता है, तेज आवाज उसकी बीमारी का कारण हो सकता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। लोक व्यवस्था को भंग करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। एक अनुशासित जीवन ही, एक नियमित और संयमित जीवन ही हमेशा किसी समाज को, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। और ये नियमित और संयमित जीवन में ही उत्तर प्रदेश के प्रशासन को बदला है, उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदला है। और आज इस धारणा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज 298,81,00,000 रुपए की लागत से 181 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और 164,77,00,000 रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम गोरखपुर में नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से संबंधित भी है, 99 परियोजनाएं ऐसी हैं। लोक निर्माण विभाग से जुड़ी हुई 42 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से 24 परियोजनाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से जुड़ी हुई हैं। बाढ़ खंड से जुड़ी हुई 5 परियोजनाएं हैं। ऐसे ही राजकीय निर्माण से संबंधित ड्रेनेज आदि से जुड़े हुए भी 2 परियोजनाएं हैं। ये सभी कार्य गोरखपुर के विकास के लिए, कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कोई स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कोई सड़कों के निर्माण से जुड़ा हुआ है, कोई जल निकासी से जुड़ा हुआ है। अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम का यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से गोरखपुर की सभी परियोजनाओं का लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो, पूर्वांचल वासियों को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबको इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि विकास के प्रति हमारी सोच हम सबको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। और गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, गोरखपुर के दौरे पर है और आज 464 करोड़ की योजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर आज फैमिली ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल एयरपोर्ट पर एक युवक युवती को पकड़ा गया है, अलग अलग समुदाय के ये युवक और युवती बताए जा रहे हैं। लड़की के परिवार वाले लड़की को चाहते थे घर लेकर जाना, चौकी इंचार्ज दोनों से पूछताछ कर रहे हैं और एयरपोर्ट पर आज ये फैमिली ड्रामा देखने को मिला है। लड़की के परिवार वाले चाहते थे लड़की को अपने साथ ले जाना, चौकी इंचार्ज फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं और दोनों ही युवक और युवती से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मौके की। एयरपोर्ट पर आज ये फैमिली ड्रामा देखने को मिला है, एक युवक और युवती को पकड़ा गया है, अलग अलग समुदाय के ये दोनों बताए जा रहे हैं। और क्यों ये फैमिली ड्रामा हुआ है अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो लड़की के परिजन है वो भी मौके पर मौजूद है और उसे घर लेकर जाना चाहते हैं। सब लोग निकल गए।
और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको देते, आज सुनवाई होनी थी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में, जिसकी सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी जा रही थी और आज भी क्या कुछ हुआ इस दौरान ये भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर मिल रही है कि जो सुनवाई है ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में, आज की सुनवाई फिलहाल पूरी हो चुकी है। सुबह हिंदू पक्ष में विवाद भी सामने आ रहा था, विवाद की बात भी सामने आ रही थी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। तो आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कल फिर मामले की सुनवाई होगी, ये बात भी फिलहाल सामने आ रही है। जानकारी आपको बता दें, आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों ही पक्ष यानी कि हिंदू मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी है और कल एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रतापगढ़ की। यहाँ मेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया, विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों में जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। पीड़ित संजय का आरोप है कि वो खेत में मेड़ छोड़ रहा था और तभी पड़ोसी संतोष सरोज जो कि ग्राम प्रधान है, उसने करीब आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर उसके घर पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मारपीट में महिलाएं भी शामिल थी, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसावा गांव में खेत के विवाद को लेकर हुई इस मारपीट में एक शख्स घायल हो गया है, जिसे कुंडा अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया। और चलिए न्यूज एट 4 में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।